हेलो 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 लोग आवाज नहीं आ रही क्या? भाई मजा आया। वनीला नंबर टू थोड़ा सा पॉइंट दीजिएगा। आओ मैं आपको M4 खरीद के देती हूँ। तो फिलहाल यार कैसे हो आप लोग, मैं आ चुका एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। एंड गाइस आज की इस वाली वीडियो में कुछ रैंडम रिएक्शंस ऐसे ऐसे आप लोगों को दिखने वाले हैं जिसे देखकर आप मतलब एकदम चिल होने वाले हो। एंड गाइस जो भी इस वीडियो को नहीं देखना चाहता मैं बता देता हूँ, पूरी देख लो भाई, एकदम मनोरंजन से चिल हो जाओगे भाई। बहुत ज़्यादा मजे की आज की ये वाली वीडियो होने वाली है। एंड लड़की वाले रिएक्शन तो आपने स्टार्ट में देख ही लिए होंगे, एंड बहुत सारे रैंडम बंदों के रिएक्शन आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। एंड फिलहाल अपन रिक्वायरमेंट डालते हैं और देखते हैं यार भाई लंबो कैसे निकाला, हमको भी निकालना लंबो। जब करा तो लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। लेट क्या हो गया, बहुत लेट हो गया यार। अच्छा हमको सिखा रिया है? अब यार ये वाले जो रैंडम बंदे थे बहुत कुछ सीखना चाहते थे और बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। सीखना ये चाहते कि लैम्बो कैसे निकलती है, और दूसरी बात ये मैंने जंप कराया तो उस पे मेरे बहुत सारी उंगलियां उठाई इन लोगों ने कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर एक खूंखार बंदा हमारी टीम का निकला, बोला जो होगा देखा जाएगा, झेल लेंगे यार। तो फिलहाल हम नीचे कूदते हैं थोड़ा सी बिल्डिंग से अलग, एंड गन जैसी आदत लगती है घुस जाते बंदों में। तो यहाँ पर मैं कितने किल निकाल पाऊंगा, सी बिल्डिंग पर काफी हद तक बंदे आए हुए थे एंड मेरे हाथ में शॉर्ट गन थी। अब क्या होने वाला है यार? इधर ये पीछे बन गया, रियल है भाई सारे देख के। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब गाइस ये 2 किल भी मेरे खाते में आ गया एंड अच्छे अच्छे रिएक्शन भी मुझे मिल रहे थे। एंड गाइस वीडियो में अभी तक जिसको भी मजा आ रहा है लाइक कर दो। एंड सामने जो होने वाले हैं वो 3 बंदे होने वाले हैं और उनको मैं मिनी 14 एंड गाइस शॉर्ट गन से कैसे मारने वाला हूँ देखो यार आप लोग। बहुत सही, और भी देख के आ रहा हूँ। मॉली कर देता हूँ, मॉली कर। अब भाई ना दिखने वाली HP को देखकर मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं इस बंदे को मार पाऊंगा, बट यहाँ पर इतने आसानी से मैं ये क्लच कर पाऊंगा ये मुझको खुद विश्वास नहीं था। अब फिलहाल ये देखकर आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक एंड जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड ये वाले सारे बंदे मेरे खाते में चले गए एंड मेरे जो रैंडम बंदे थे वो रिएक्शन दे रहे थे मुझको बहुत बहुत गजब गजब, एंड उनके रिएक्शन में आप लोगों को मजा आ रहा है तो लाइक और जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। गाइस मेरे खाते में 5 किल आ चुके थे, मिलिट्री बेस पूरा क्लियर हो चुका था। अभी यहाँ पर जो एक दो बोट आएगा उसका किल मैं अपने खाते में लूंगा, एंड अभी 2-3 बोट मारने के बाद जो भी बंदे मेरे सामने पड़ेंगे उनको मैं मार पाऊंगा या नहीं ये तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी यार। अब मेरे टीममेट्स किसी क्यून नाम की बंदी का नाम ले रहे थे तभी मैंने सोचा यहाँ पर क्यून कौन है, तभी मुझे किल फील्ड दिखती है यार। अब भाई किल फील्ड में चमकती हुई क्यून को देखकर मेरे मन में आया कि मुझे एक दो बंदा मिल जाए तो मैं भी किल फील्ड को चमका दूं। तो फिलहाल जैसे ही मैं यहाँ पर रुका तो मुझे एक बोर्ड मिल गया यार।
अब एक छोड़ो, दो दो वोट मुझे यहाँ पर मिल चुके थे और किल फील्ड में अपना नाम भी चलने लगा था। फिलहाल आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ से निकलने के बाद मैं अपने 3 नंबर वाले बंदे को उठाता हूँ और पहुंचता हूँ ड्रॉप पर, और वहां पर जो बंदे आने वाले हैं फिर देखो यार क्या चमकता है किल फील्ड। चला रहे हो ग्रोजर? वॉच आउट, वॉच आउट। गाड़ी 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 भाई। अब भैया यहाँ पर मेरा बंदा तो नॉक हो गया, पर ये जो दो बंदे आए थे दोनों को मैंने भर दिया, एंड क्वीन और ये जो बंदा था उसका जो बॉयफ्रेंड था या जो भी हो, दोनों एक ही टीम में थे, ये अभी भी आवाज नहीं आ रहे थे। तो ये बंदे मुझको मिलेंगे, मैं इनको पेलूंगा या नहीं पेलूंगा ये आप अपन गैस करके अभी बता दो, कमेंट में लिख दो जो भी आपके दिल में आ रहा है कि इन लोगों को मैं मार पाऊंगा, ये मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो बताओ यार आप लोग। एंड गाइस ये जो मेरा बंदा था वो इतना अच्छा था कि मैंने इससे M4 मांगी, तो यार इस बंदे ने तुरंत मुझको अपनी M4 दे दी। तो फिलहाल टीममेट्स हो तो ऐसे हो, या रैंडम बंदे ऐसे ही होने चाहिए, सच्ची में मुझको ज़रूरत थी M4 की क्योंकि मैं अपना गेम प्ले बना रहा था, बट इन लोगों को नहीं पता था, फिर भी यार उसने मेरी हेल्प की एंड बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे लगा। और ये सब देखते देखते जिस साइड से हम ड्रॉप लूट के आए थे उस साइड में फिर से दो बंदे आ जाते हैं। अब जाके नॉक हो, आज तक चला गया मार के। अब यार आप लोगों को एक दुख की बात बताऊं, इस बंदे ने मुझे M4 तो दी, बट यार मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। वहां पर मेरे सामने ब्रिज की इंगल आ गई, वो लोहे का जो राड सी होती है वो मेरे बीच में आ गई, मेरा मतलब शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया उस बंदे से, वो किल भी मेरा चुर गया। एंड ये किल तो मेरे मुंह से चुरने वाला यार, देखो यार अभी ये मैं कैसे पहुंच गया इतना अंदर इसके। अब यार मैं मुझे खुद नहीं पता मैं नीचे क्यों फंसा रह गया, और मुझे पता थी ये किल मुझे मिल सकता है, फिर भी यार मैं रह गया। बट फिलहाल कोई बात नहीं, मेरे टीममेट्स को बोला मुझे मिला, और कोई हल्के में बात मत लेना, मेरे जो ये सारे टीममेट्स आए थे अच्छा खेलने वाले थे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि लूज पॉइंट रखता हो, बढ़िया खेलने वाले थे। और जैसे हम यहाँ पर आते हैं हमें पता चलता है कि लेफ्ट वाले जो कंपाउंड है उनके अंदर बंदे घुसे हुए हैं, तो मैं इन बंदों को एकदम से इतला करता हूँ कि घुस जाओ यार, इन बंदों के ऊपर रुकने में कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि सामने बंदों में फाइट हो चुकी थी और फाइट में घुसकर फायदा उठाना बहुत जरूरी था। तो गाइस सामने वाले रेड हाउस में जो बंदा है वो वही बंदा है जो क्वीन के साथ किल फील्ड को चमका रहा था। एंड गाइस उस बंदे को जैसे ही मैं भरता हूँ तो मेरे जो रैंडम टीममेट्स आए हुए थे इनका रिएक्शन देखना यार। अब सही बात है भैया, क्या गुंडे बनोगे तुम लोग, अब मैं सच्ची बताऊं तो हम भी क्या गुंडे बनेंगे। अभी इस फाइट को करने के बाद
फाइट क्या थी, वो बंदा भाग रहा था, मतलब भीड़ से निकलने के लिए, अपने बचाव के लिए भाग रहा था, और खोपड़े पे उसकी गोलियां पड़ी, वो नीचे गिर गया। अभी जो सामने बंदे थे उनको मैं टैप टैप करके घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भसड़ में जो अब हम लोग फंसने वाले हैं वो ऐसी भसड़, ऐसा भंवर है जिससे निकलना मुश्किल तो नहीं नामुमकिन है भाई। और वहाँ पे हो सकता है कि मैं राम नाम सत भी हो जाऊँ, मतलब वैसे नहीं सिर्फ गेम में, वैसे तो मैं बहुत लंबा जीने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। तो फिलहाल अब दुआएं की नहीं सिर्फ लाइक की ज़रूरत है, लाइक करो एंड जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करो, और एंड कमेंट में लिख के ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है एंड ये बंदे जो इनके रिएक्शंस कैसे लग रहे हैं। तो फिलहाल देखो यार अब बताओ भाई यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है, मतलब कोई भगवान थोड़ी है भाई, चारों तरफ का दिखता रहेगा भाई, एक बंदा सामने एक बंदा पीछे, एक बंदा हो तो भी भाई, चारों तरफ चार चार बंदे लेटे हुए हैं, एक बंदे ने पीछे से उठ के सबको फुरफुर कर दिया। अब फिलहाल क्या कर सकते हैं, वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, कर नहीं देते कर दो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू यार।